करेंगे बुलेटिन की। रायपुर से ही खबर मिल रही है जहां कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह को शोकॉज नोटिस जारी हुआ है पार्टी की तरफ से। बृहस्पति सिंह को पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा है। पीएल पुनिया, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने नोटिस जारी किया है, शोकॉज नोटिस। जिस तरह शनिवार रात को उनके काफिले पर हमला हुआ और काफिले पर हमले को लेकर विवाद लगातार दो दिन से चल रहा है, आज तीसरा दिन है। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव के भतीजे पर आरोप लगाए, उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनके भतीजे ने उन पर हमला किया है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ की थी, उनके काम की सराहना की थी, और उसके बाद से ही ये मामला लगातार चल रहा है। और अब पार्टी ने, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम रुक करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए। मोहन, टीएस सिंहदेव के बाद अब एक और बड़ा जो किरदार इस पूरे हम कहें सियासी उठापटक का, बृहस्पति सिंह, उन्हें पार्टी ने उनसे जवाब मांगा है, नोटिस जारी हुआ है, क्या जानकारी? देखिए, पिछले दिनों से लगातार जो राजनीतिक हालात बदले उसमें टीएस सिंहदेव की जो नाराजगी है उसकी प्रमुख वजह यही थी कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें पार्टी उनका साथ दे। अब जो बैठकों का दौर चला और आज जो खासतौर पर मुख्यमंत्री के साथ टीएस सिंहदेव और मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक थी, उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आई थी कि टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि एक तो सरकार अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे इस पूरे मामले में, और जो उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है उन पर पार्टी अनुशासन की कार्यवाही करे। तो वही कुछ हुआ है, अनुशासन की कार्यवाही अब पार्टी करने जा रही है और उस दिशा में एक कदम के रूप में इस अनुशासन की नोटिस को देखा जा रहा है। इस पूरे नोटिस से एक संकेत साफ तौर पर जा रहा है कि टीएस सिंहदेव जो मांग कर रहे थे उस दिशा में पार्टी सहमत हो गई है। यानी एक तो कल उन्हें सदन में क्लीन चिट दी जा सकती है और सदन में इस बारे में स्पष्टीकरण सरकार की ओर से आ सकता है, जिसमें टीएस सिंहदेव के किसी विधायक को डराने धमकाने के जो आरोप हैं उसका खंडन किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात थी कि बृहस्पति सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उस पर पार्टी जो है वो एक्शन ले, तो वो एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी क्रम में आज हमने देखा कि बृहस्पति सिंह को पीएल पुनिया की ओर से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सिलसिलेवार इस बारे में जानकारी ली गई है कि एक वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ उन्होंने किन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए हैं, सार्वजनिक बयानबाजी क्यों की है, पार्टी फोरम में पहले ये बात क्यों नहीं की। तो एक कारण बताओ नोटिस से ये संकेत मिलता है कि टीएस सिंहदेव जो मांग कर रहे थे उन मांगों को अब मान लिया जाएगा, और कांग्रेस की कोशिश यही है कि जो विरोधाभास दिखाई दे रहा था, जो नाराजगी दिखाई दे रही थी उसे दूर किया जाए, और उस दिशा में कांग्रेस अब इस नोटिस के बाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी चलिए, अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा मोहन कि आखिर जवाब बृहस्पति सिंह की तरफ से क्या दिया जाता है शोकॉज नोटिस के जारी होने के बाद। बने रहिए आप, आपका हम और रुक करेंगे अगली खबर पर। लेकिन अब पूरे मसले पर देखिए, अब पार्टी ने टीएस सिंहदेव के बाद बृहस्पति सिंह से एक तरह से जवाब मांगा है जो उन्होंने आरोप टीएस सिंहदेव और उनके भतीजे पर लगाए थे। उसके बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अब बृहस्पति सिंह से क्या शोकॉज नोटिस के बाद जवाब की अपेक्षा पार्टी करती है, जवाब बृहस्पति सिंह इस पूरे मसले पर अपना क्या रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति सिंह को सदन के भीतर तो बोलने का मौका ठीक से मिला नहीं कल। अब पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। सदन के बाहर चले गए और उनकी भावनाओं को समझते हैं, गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उस सब को ध्यान में रखते हुए विधायक के खिलाफ भी शोकॉज नोटिस जारी करने के आदेश है और कल समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। रायपुर से ही खबर जहां सीएम हाउस में बड़ी बैठक हुई, वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों के साथ ये बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल बैठक में मौजूद हैं, टीएस सिंहदेव बैठक में मौजूद नहीं है। खबर ये मिल रही है कल सदन में सरकार के स्टैंड को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, विधायक भी मौजूद हैं, लेकिन जो मौजूद नहीं है वो है टीएस सिंहदेव। अब कल सरकार का क्या स्टैंड होगा सदन में ये देखना होगा।
बार फिर हम रुक करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। मोहन, टीएस सिंहदेव अगर इस बैठक में मौजूद नहीं है तो प्रारंभिक तौर पर इशारा इस तरफ ही जाता है कि टीएस बाबा नाराज है। देखिए, टीएस सिंहदेव ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी इस तरीके की कार्यवाही से अपने आप को दूर रखेंगे जब तक सरकार और पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं हो जाता उन पे लगे आरोपों को लेकर। तो वही कुछ चीज़ें अब होती हुई दिखाई दे रही हैं, और जैसे कि अभी अभी हमने पीएल पुनिया का बयान सुना जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि भावात्मक रूप से टीएस सिंहदेव ने एक कदम उठा लिया और इस मसले को कल अब पार्टी ख़त्म करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो करेगी, तो वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी सिलसिले में किस ढंग से स्टैंड के साथ सदन में कल कांग्रेस उतरे, किस तरीके के जवाब प्रस्तुत किए जाएं, क्योंकि दोनों ही सूरत में, यानी कि अगर टीएस सिंहदेव की मांग को मानते हुए स्पष्टीकरण उनके पक्ष में सरकार देती है तो भी विपक्ष हंगामा करेगा, और अगर ऐसा नहीं करती है तो भी विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है टीएस सिंहदेव के पक्ष में, तो वो उसको लेकर हंगामा करेगी। तो दोनों ही सूरतों में कांग्रेस को कल विरोध विपक्ष का झेलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए, किस तरीके से बचाव की रणनीति होनी चाहिए, सदन में किस तरीके का जवाब दिया जाए जिससे टीएस सिंहदेव भी संतुष्ट हो जाए और उनके उनका सम्मान भी रह जाए और विपक्ष जो मांग कर रहा है वो मांग भी खत्म हो जाए, तो इन दोनों पक्षों को देखते हुए, सारे आयामों को देखते हुए चर्चा की जा रही है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री निवास में जो अभी बैठक चल रही है उसमें बृहस्पत सिंह को भी बुलाया गया है, कुछ विधायक शामिल हैं, मंत्रिमंडल के ज़्यादातर सदस्य शामिल हैं। तो सरकार का दो महत्वपूर्ण स्टैंड कल क्लियर होगा, क्योंकि जो चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल के अधिग्रहण का मामला है वो भी विपक्ष लगातार उठा रहा है, वो एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप है, उसमें कैसे पार्टी डिफेंड करे। इसके अलावा टीएस सिंहदेव के मसले को लेकर क्या स्टैंड के साथ पार्टी उतरे जिससे कि विपक्ष को कोई और मौका ना मिल जाए जी। तो ये दोनों मसलों पर अभी चर्चा चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बृहस्पत सिंह क्योंकि इस बैठक में हैं, तो उनसे भी राय सुमारी की जा रही होगी, क्योंकि कारण बताओ नोटिस का जवाब उन्हें देना है और मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर सभी पक्षों को जानने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो बृहस्पत सिंह की मौजूदगी जो है वो बताती है कि सरकार किस स्टैंड की ओर जा रही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन आपका इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए बैठक से जुड़ी। देखना होगा बैठक के बाद क्या खबर मिलती है, क्योंकि विधायक बाहर निकलेंगे सीएम हाउस से, जरूर कोशिश करेंगे जानने की बैठक में और क्या चर्चा हुई है, सरकार का स्टैंड कल सदन में मानसून सत्र के तीसरे दिन क्या होगा। तो विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले पर हमले के बाद मचा सियासी बवाल। एक बार पहले तो लगा कि सोमवार शाम को थम गया है, लेकिन आज मंगलवार को जब सदन शुरू हुआ तो टीएस सिंहदेव के वॉकआउट के बाद इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। कांग्रेस की लड़ाई सड़क और सदन से होते हुए फिर सड़क पर आ गई। वहीं बीजेपी ने भी गर्म लोहे पर चोट मारने में देर नहीं की। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया इस पूरे मसले को अभी भी सुलझाने में लगे हैं और उन्होंने शोकाज नोटिस बृहस्पत सिंह को जारी कर दिया है। अब देखना होगा वो क्या जवाब देते हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्माई, 28 साल की लड़ाई सदन तक आई। सदन में सामने आई टीएस बाबा की नाराजगी, विपक्ष ने भी विवाद में दिखाई अपनी मौजूदगी। आखिर कब थमेगा कांग्रेस का सियासी संग्राम? छत्तीसगढ़ में विधायक बृहस्पत सिंह के काफिले पर हुए हमले के मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब विधानसभा में गृह मंत्री के बयान के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी सरकार के खिलाफ ये कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि जब तक इस मामले में सरकार का सही जवाब नहीं आता तब तक मैं अपने आप को सदन में खड़े होने लायक नहीं समझता। टीएस सिंहदेव इतना बोलकर अपनी सीट छोड़कर चले गए। सदन से बाहर निकलते हुए टीएस सिंहदेव काफी भावुक दिखाई दिए। सदन की कार्रवाई से आप ले सकते हैं। टीएस सिंहदेव के इस अचानक कदम से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई। इधर टीएस सिंहदेव ने अपने बंगले पहुंचकर नो एंट्री का बोर्ड लगवा दिया। इधर सरकार की तरफ से रविंद्र चौबे बोले, किसी गलतफहमी की वजह से टीएस सिंहदेव सदन छोड़कर चले गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हमने ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके
सब मामला सुलझा लिया जाएगा। बात दिल्ली तक पहुंची और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मुख्यमंत्री और सिंहदेव से बात की। इसके बाद सिंहदेव मुख्यमंत्री से मिलने विधानसभा पहुंचे और कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनकी बैठक शुरू हुई। पीएस सिंहदेव जी जो असेंबली में जो वक्तव्य दे के बाहर आ गए, तो वो भी मैं समझता हूँ कि भावात्मक एक उनका कदम है और उसका समाधान होगा, निकल जाएगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि बैठक में मामला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन टीएस सिंहदेव ने ये कहते हुए इसे और उलझा दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। वहीं कैबिनेट में उनके सहयोगी मोहम्मद अकबर कहते नजर आए कि बाबा नाराज नहीं है। मैंने जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ, जैसी परिस्थिति रहेगी उसी हिसाब से। मामला कुछ है ही नहीं, जिस तरीके से जो प्रचारित किया जा रहा है ना, उस टाइप की कोई बात नहीं है। उनको सूचना दी गई और वो आ गए, आपस में मिलजुल के बैठक हुई, बातचीत हुई और अन्य मामले भी थे जिसके बारे में चर्चा हुई। इधर इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी को सरकार पर हमला बोलने का भरपूर मौका दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सरकार 2.5 साल में पूरी तरह बिखर चुकी है। 2.5 साल आते आते सरकार पूरी तरह से बिखर चुकी है। बिखरने की चरम स्थिति आज हाउस के अंदर देखने को मिला कि सरकार का मंत्री, जवाबदार मंत्री आज सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करता है। विवाद जारी है, सियासी सुलह की कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। टीएस सिंहदेव के तेवर ये बताने के लिए काफी है कि वो भी जल्दी मानने वाले नहीं है। लिहाजा कह सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए कुछ इसी तरह से उथल पुथल से भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।